स्टार्ट। स्वैग कौन है? हाथ ऊपर कर ले। स्वैग अल्ताफ खान, दिनेश जी, शाहरुख खत्री जी, मोहम्मद नदीम, यूसुफ खान जी, राजेश कुमार, नारायण राम जी, बिंदु राय, सफीक मोहम्मद अभी नहीं आया है, मिसल है। ठीक, आप लोग का फ्लाइट कब है पता है? 5:15 कहाँ से? इंदिरा गांधी आईजीआई एयरपोर्ट से दुबई। ठीक है, किस कंपनी में जा रहे हो? इसमें स्वैब जो है, अल्ताफ, दिनेश, शाहरुख, आप लोग हेल्पर है पता है ना? हेल्पर की सैलरी क्या है? 900 बताई थी सर। 900 कितने घंटे ड्यूटी? 8 घंटे का 900। मैं लिख भी रहा हूँ, अगर किसी को लैंग्वेज इशू होगा तो यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये कॉपी रहेगी, बाकी वीडियो मिल जाएगा, आप लोग को ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये वीडियो डाउनलोड करना चाहो तो अपना एग्रीमेंट डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो एग्रीमेंट, बाकी तो हार्ड कॉपी यहाँ रहेगी। ठीक है, आपकी एजेंसी भी जाएगी। 900 सैलरी है, 8 घंटे का ड्यूटी है, कितना? कंपनी में 3 से 4 घंटे ओवर टाइम चलता है, बट ओवर टाइम एग्रीमेंट में मेंशन नहीं होता है, वो कंपनी के प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर भी मैं जो रिपोर्ट है कंपनी की पिछले 2 साल की, 3-4 घंटे ओवर टाइम डेली चलता है इस कंपनी में। ठीक है, 70% सैलरी लगभग बेसिक होती है इसकी, पता है ना, जिसपे ओवर टाइम बनता है, जो रिटर्न उनको पता होगा बेसिक क्या होता है, पता है ना, जितना बेसिक ज्यादा होगा उतना ओवर टाइम का पैसा ज्यादा बनेगा, पता है ना। जैसे कुछ कंपनियां क्या करती हैं, 1000 सैलरी 8 घंटे, बेसिक कर देंगी 500, अलाउंस कर देंगी 500, देंगी आपको 1000, मगर सारा खेल यही हो जाता है बेसिक में। अगर और एक कंपनी होती है वो भी 1000 ही देगी, बेसिक देगी 900, अलाउंस देगी 100, टोटल दिया 1000 उसने भी, मगर 900 बेसिक वाला अगर ड्यूटी करता है 1 घंटा और 500 बेसिक वाला ड्यूटी करता है पौने 2 घंटा, तो पैसा ओवर टाइम में मिलेगा बराबर ही आएगा, क्योंकि सारा खेल बेसिक का होता है। तो इसमें आपकी सैलरी 70% बेसिक होती है, 70 से 75%, डिपेंड ऑन कैटेगरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ओवर टाइम अच्छा बनेगा, ओवर टाइम का जो पैसा बनेगा अच्छा बनेगा इसमें। ठीक है, लेबर दिमाग में रख के जाओ कि खा पी के 24 से 26 हजार रुपये आपको बच जाएंगे, खा पी के सब कुछ मोबाइल फोबाइल करके आपको 24-26 हजार रुपये महीने का बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मंजूर है? कोई दिक्कत? मोटी मोटा बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करा, राम धराम में कंफ्यूज हो जाता है लड़का। ठीक है, जो नहीं गया कभी बिजनेस, वो क्या पता है राम धराम क्या होता है, वो हमें धराम में घुमाता रहो तुम कंफ्यूज करके, हाँ हाँ कर लोगे तो रुपया तो समझ में आता है ना। मोटी मोटा आपका ओवर टाइम अच्छा करोगे, सही से करोगे, जिम्मेदारी से काम करोगे, जुम्मा फुमा नहीं भी करोगे तब भी मान के चलो कि आपका 25-26 हजार तक 24-25 हजार घर को भेज दो। अब भाई खाना खाओगे और मोबाइल में 1500 खर्च करोगे तो बाकी पता रिचार्ज करके लड़की ने किस बात करो, देखो नहीं बचेगा। इंटरनेशनल कॉल है, अगर सही से रहन सहन का जो तरीका होता है, अच्छे लोग जैसे रहते हैं, समझदार जिम्मेदार आदमी, तो आराम से 24-25 हजार लेबर भी घर को भेज सकते हैं। ठीक है, जुम्मा उम्मा करोगे तो हो सकता है 100-200 दिरहम और बढ़ जाए। ठीक है, बाकी अपना अपना करने का तरीका है, 8 घंटे की हमारी जिम्मेदारी है, वो रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ आप मेसन पे। मेसन में किसी का हमने टेस्ट तो नहीं लिया है, बराबर? तो टेस्ट में क्या है, अगर उसमें कैटेगरी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। अगर ए कैटेगरी की सैलरी जो है 1250 से लेकर के 1300, अगर ऑलराउंडर है तो टाइल भी आता है। ठीक है, अगर नहीं है तो ए कैटेगरी की 1200 8 घंटे, बी कैटेगरी की 1100 8 घंटे, सी कैटेगरी की 1000 से 1050 8 घंटे मेसन। क्लियर, जिसमें आप मेसन में हो, मोहम्मद नदीम, यूसुफ खान, राजेश जी और नारायण राम जी, बराबर? एक और है सफीक मोहम्मद, भी आया नहीं शायद, लेट है वो कभी रास्ते में। ठीक है, वो भी साथ में ही आपके, तो आप लोग के लिए ये कंडीशन लागू होगी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? या तो एबीसी का टेस्ट करा दो जाके, सर्टिफिकेट दे दो मुझे, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आप ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में, बराबर है? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन पूछ सकते हो, फिर भी अगर आपने काम किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोटी मोटा दिमाग में 1200 8 घंटे रख के जाओ अगर काम आता है। ठीक है, टाइल मेसन हो गए तो 1300 भी, ऑलराउंडर इसको बोलते हैं, ब्लॉक प्लास्टर टाइल पूरा लगाता है, 1300 भी है। ठीक है, इसमें कोई टाइल मेसन है? नहीं है, ब्लॉक प्लास्टर हो सारे, तो अगर ब्लॉक प्लास्टर हो, अच्छा काम जानते हो, तो 1200 8 घंटे की सैलरी है,
टाइड मिशन सही लगभग आपकी मोटी मोटा दिमाग में रख के जाओ, अगर दिरहम में नहीं समझ में आता तब भी मान लो कि 35,000-30,000 बनती है इसमें, ठीक है। टाइड वाले की 40-40 बनती है, 45-45, क्योंकि बेसिक अच्छा खासा बेसिक, अगर आपकी 1200 लगती है आपकी लगभग 1100 तो बेसिक हो गई ना, 1050-1100 बेसिक हो गई 70% हिसाब से। तो मोटी मोटा आपका समझ लो कि एक ऑप्शन कंपनी और मेसन को देती है, आप चाहिए तो सैलरी तो आपकी है ही है, आप चाहिए तो मीटर पे ले लो, जितना मर्जी खींच लो, मीटर पे भी ऑप्शन देती है, ऑप्शन है, मतलब ये नहीं मीटर पे सैलरी है, मीटर पे नहीं आपको सैलरी है, ये एक ऑप्शन देती है कि हाँ 8 घंटे का इतना तो ही, अगर आप चाहो तो मीटर पे एडिशनल कराओ, चार लोगों का ग्रुप बना लो, दो कमरा मार दो, आप एक ही बार में 4,000 राउंड ले लो, ऐसे भी देती। तो इसमें मैक्सिमम मेसन को मैंने देखा यही करते हैं, ये सबसे बेस्ट रहता है, इसमें आपका आराम से 2,000 दिरहम उठ जाएगा 1,800 में, इसमें आपको फायदा होता है। कंपनी भी कहती है हमारा सुपरवाइजर का ड्यूटी नहीं लग रहा है, हमारा वो इंजीनियर नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसका पैसा भी आपको जोड़ के दे देगी, ले लो सुपरवाइजर इंजीनियर का भी खर्चा आप जोड़ के ले लो, आप एक कमरा मारो चार लोग मिलकर, वो बता देगी ये कमरा करना है भैया, इस कमरे का हम आपको 1,000 दिरहम देंगे, अब चार लोग मिलकर मार लो, 5,000 लोग मिलकर मार लो, एक दिन में मार दो, दोपहर भर में मार दो, या रात में आके मार के चले जाओ, 8 घंटे ये भी कर लो, रात में सो के उठो, 3 बजे मार के 2 घंटे चले जाओ सब लोग, अपना 1,000 दिरहम ले लो, ऐसा भी करती है, ये ऑप्शन है, ठीक, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन, अक्सर मेसन यही ऑप्शन चुनते हैं, मेसन के लिए सटरिंग आरसीसी के लिए नहीं है, क्योंकि वो अलग काम है, उसे पूरी टीम चाहिए होती है, उसमें ये जुगाड़ नहीं लगेगा, बट मेसन में क्या है, मटेरियल बनाया खुद ही आके, अपना दो लेबर उठा लो, बता दिए भाई ये कमरा करना है, इसमें हम आपको 1,000 दिरहम दे देंगे, अब अपना टीम बना लो, दो लेबर ले लो आप उसी में से किसी को, अपना 3 मेसन हो जाओ, इतना मान लो कि मुझे पता है 3 मेसन दो लेबर मिलकर 5,000 दिरहम आया, भैया लेबरों के लिए 100-100 दिरहम तू रख ले, बाकी चाहे 300-200 जैसा हो अपना, जैसा आपका सेटिंग हो, तो ये भी मांग करते हैं अक्सर मेसन, यही करते हैं, ये ऑप्शन जिनको में पहले से यहाँ से नहीं है, कंपनी पुरानी है, 72 का कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी, बड़ा कंपनी है, ईएमआर ग्रुप का काम करता है, तो मेसन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बाकी अपना सुपरवाइजर से बात करो सब समझ जाओगे चार दिन में, और राजस्थान के काफी मेसन है जिनको में बहुत मेसन है, मेरे भेजे हुए हैं काफी, कम से कम कुछ नहीं राजस्थान से मैंने भेजा है 70-80 मेसन, मेसन मेसन क्यों, राजस्थान से मेसन ही मिलता ज्यादा, बैक टू बैक मैंने साल भर में इंटरव्यू किया राजस्थान इस कंपनी के, ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट आपका मेसन का क्लियर। अब एक लड़का है बिंदु राय, कौन है भाई, सेटरिंग कारपेंटर हो, बराबर, क्या काम किया है सेटरिंग कारपेंटर का, क्या काम किया है, कॉलम सालम क्या होता है, कॉलम तो सुना है, सालम क्या होता है, कॉलम तो समझ में आता है, सालम क्या होता है, बीम तो समझ में आया, सीम क्या होता है, एक लाइन एडवांस है, एक बात बोलो, आपका ओरिएंटेशन हो रहा है, मजाक नहीं चल रहा है, ये वीडियो कंपनी में रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा, तो कॉलम सॉलम नहीं होता है, इसे कॉलम ही होता है, बीम में सीम नहीं होता, बीम ही होता है, ठीक है। कितने साल काम किया सर पंजाब में, 2-3 साल की है, दो तीन साल की हो, क्या काम की हो, सेटरिंग, क्या करते हो सेटरिंग में, फ्लाई काटते हैं, खिलम मारते हैं, फ्लाई का साइज बताइए आप मुझे, कम से लेकर ज्यादा की तरफ को, मतलब लंबाई बताइए पहले, फिर उसके बाद मोटाई बात, लंबाई तो 22.5 होता है, 22 क्या मीटर, इंची, स्क्वायर फीट, फुट, क्या किस पे मालूम है, 22.5 क्या मीटर, 2 मीटर 250, 2 मीटर 250 क्या, 22.5 क्या, 22.5 किसी को समझ में आप क्या बोल, बोलना क्या चाह रहे हो, इन लोग को भी नहीं समझ में आ रहा, मुझको भी नहीं समझ में आ रहा, कौन से कारपेंटर हो भाई, सेटरिंग का कारपेंटर है, हाँ तो सेटरिंग में क्या बताया तुमने, मैं खुद ही नहीं समझ पाया, ये लोग समझो बता दो, ये भी लोग तुम्हारे डिपार्टमेंट से, हम तो नहीं समझ पाए क्या बोलना चाह रहे हो, 2 मीटर का और कितना है, 2.50 है, ऐसे क्या 50, मैं तो समझ, 2 मीटर तो समझ में आया, 50 क्या बता रहे हो, मीटर 50 लंबाई, 2 मीटर 50 क्या, 50 क्या है वो 50 समझना चाह रहा हूँ, 250 माने 100 mm के, 200 के, और फिर 50 है, 225 mm, ये जवाब सही है, चलो ठीक है, हो सकता है आपको मेजरमेंट ना आता, कर लो, ये भी हो सकता है, क्योंकि लड़के नहीं बोल रहे, देख के भी काम, लड़के होते हैं कि पढ़े लिखे नहीं होते बट वो काम कर लेते हैं, मेजरमेंट नहीं बता पाते, जी, मीटर पे इंची टेबल को नहीं समझ आता, हो सकता है, मुझे नहीं पता, आप जो मुझे आप ये बता सकते हो कि ये प्लाई है क्या है, ये जो लगाई क्या है, अरे छू के देख लो कोई दिक्कत, क्या है ये, सीमेंट है, डिजाइन है, प्लाई है, जिप्सम है, क्या है ये जो लगाई, किस चीज का होता है ये,
नहीं पता बिल्डिंग लाइन में क्या काम की हो? पीवीसी सीट है। तो बता रहा है ना पीवीसी सीट है। पीपीसी सीट है। पीवीसी पीपीसी नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ये भी छोड़ देते हैं। एक कितना होता है ऐसे बताओ, ज्यादा बताओ थोड़ा मोटा, एक फिट कितना होता है? ये पेपर कितने कितने होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी? एक फिट से ज्यादा ही है सर। एक फिट से ज्यादा है? एक फिट से ज्यादा लग रही है तुम्हें? एक फिट से कम ही ज्यादा है? ऐसे करने पे एक फिट हो जाता है। तो ये ऐसे, हाँ ऐसे हो जाता है, फिर मोटी मोटा ना अपने तरीका ही तुम्हें लग रहा है? पूरा है? पूरा नहीं, ज्यादा ही है सर। ज्यादा ही है, ज्यादा तो नहीं, मतलब तुम्हें मेजरमेंट नहीं आता। आप हमें ये बताओ प्लाई की लकड़ी पे काम क्यों या पटरी पे काम क्यों, लकड़ी किस पे काम किया जिप्सम का? प्लाई का बोर्ड बना हुआ रहता है उसको ठोक के काटते कैसे उससे? मशीन से काटते थे। मशीन का क्या नाम है? कटर मशीन। कटर मशीन कैसे चलती है, बैटरी से बिजली से? बिजली से चलती है सर। अच्छा, नाप नहीं आता, काटते कैसे वो? टेप रहता है वो साथ में रहता है, नाप लेते हैं। टेप से बता लोगे? देखिए ठीक है, मैं आपको ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, मेरे हिसाब से तो नहीं सेटिस्फाई हूँ मैं आपसे, मतलब हो सकता है आप कर लेते हो, कभी कभी होता है लड़के बता नहीं पाते। देखो भैया आपके लिए भी वही कंडीशन है, ए कैटेगरी में 1200 आठ घंटे, और ए कैटेगरी में तो हो नहीं, ये तो तुमको पता है, कैटेगरी में तो हो ही नहीं। ए कैटेगरी मतलब मेजरमेंट प्लस इंस्टॉलेशन दोनों, उसे बोलते हैं ए कैटेगरी। आपका हो सकता है कर लोगे तो बी कैटेगरी में हो जाओगे, बी कैटेगरी में 1100 दिरहम सैलरी आठ घंटे, ठीक है? ये सटरिंग कारपेंटर का बता रहा हूँ मैं, एकलौते जा भी रहे ग्रुप में, कल तो गए हैं 12 एक साथ, कल वाले ग्रुप में फिर 15 है एक साथ, परसों वाले में फिर 10 एक साथ है, टोटल जाओगे 90 लोग इसी बैच में, ठीक है? पिछले 10 दिन के अंदर ही जाओगे 90 लोग। तो देखो सी कैटेगरी भी नहीं हो, खैर सी कैटेगरी में तो तुम नहीं हो, 1000 वाली में तो नहीं हो, क्योंकि इतना तो तुम्हें पता है कि फिट कैसे ज़्यादा है, तो इतना तो होगा। तो आप ये मोटी मोटा रख के जाओ 1100 आठ घंटे लाइफ में, कोई दिक्कत जिम्मेदारी से काम करोगे तो आराम से खा पी के 27-28 हज़ार घर को दे दो। सबसे प्लस पॉइंट कंपनी सप्लाई नहीं है, समझे? सप्लाई कंपनी नहीं है, लिमिटेड नहीं होती, वहाँ पे एलएलसी होती है, एलएलसी होती है, एलएलसी ना भी हो तो कैटेगरी दो ही होती है, सप्लायर और नॉन सप्लायर। एक कंपनी होती खुद के प्रोजेक्ट होते हैं, ये अगर लेगी तो सप्लाई में नहीं देगी, एक होती सप्लायर, सप्लायर भी कोई खराब चीज नहीं है, बड़ी सप्लायर है तो इट्स ओके, फिलहाल ये सप्लायर नहीं है, बाकी सप्लायर में भी अच्छी अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है, आजम रिक्रूटमेंट है बहुत अच्छी कंपनी है सप्लाई में दुबई की। सप्लाई से मतलब नहीं होता, ठेकेदारी दो तरह की होती है, एक होता है कि जनरल ठेकेदार होता है जो एक कमरा ले लेगा, काम कराएगा, यहाँ ले जाएगा, कल वहां ले जाएगा, परसों वहां ले जाएगा, वो ले लेके 100-200, 400-400 ऐसे करके तुम्हें सैलरी, वो थोड़ा सा रिस्की होता है, उसमें लड़के परेशान होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसका पकड़ उतना अच्छा नहीं होगा, प्रोजेक्ट नहीं होंगे, 4-4 दिन जो काम करेगा तो कहां से मैनेज कर पाएगा। एक होती है बड़ी सप्लायर जिसमें जैसे ट्रांसगार्ड हो गई, जैसे आपकी आजम रिक्रूटमेंट हो गई, काफी कंपनीज दुबई में तो सप्लाई में अच्छा काम करती है, ऐसा नहीं है 6-6 हज़ार आदमी है सप्लाई है, फिर भी तो क्या करते हैं, लड़का ले लिया, उनके बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट पे आ दिया, तुम्हारा वीजा ही पूरा खत्म हो जाए, तो वो भी सप्लायर ही है, बट उनका अच्छा मैनेजमेंट, उनका अपना कैंप है, अपनी बसें हैं, अपना एक अपना खाने का सिस्टम सब कुछ है, जैसे आजम आजम रिक्रूटमेंट है, ऐसे सही से थोड़े जेब में हटा के विंडो वाली स्टाइल की। तो क्लियर हो गया आपको, फिलहाल ये सप्लायर नहीं है एकदम क्लियर ही, तो इसका कोई मतलब नहीं, मैंने पूछा तो मैंने बता दिया सप्लायर में फर्क होता है, बट ये सप्लायर ही नहीं है, बस वही चाहते थे सारा। नहीं नहीं, ये सप्लाई कंपनी नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड जो होता है सप्लाई होती है, सप्लाई सप्लाई का भी काम करते हैं, आदम भी ट्रीटमेंट काम करते हैं, बता हम सप्लायर उसी का करते हैं जो बड़ी सप्लायर है, जिनमें लड़कों को दिक्कत कभी नहीं होती, जैसे आदम रिक्रूटमेंट है बड़ी सप्लायर है, हमने राजस्थान से भी लड़के भेजे, हमने यूपी से, उसमें 4-5 हज़ार आदमी बड़ी सप्लायर है, उसका अपना मेस है, अपना खाने का सिस्टम है, जो कंपनी 4000 आदमी डेली खाना खिला रही बनवाते तो छोटा मोटा तो नहीं होगा ना, तो वैसे ही सप्लायर का काम करते हैं, छोटी सप्लायर काम नहीं करते, फिलहाल ये तो सप्लायर ही नहीं, ठीक है कंपनी। ओके अभी किसी को कोई क्वेश्चन कोई भी सर भेजा सर एक बात पूछ सही सफर है सर क्या ये वीजा के बारे में ये विजिट वीजा ये हमको नहीं सुनिए छोड़ दीजिए क्या डाउट है नहीं है एजेंट से पूछिए हाँ अच्छी चीज आपने पूछा एक लाइन में भूल जा रहा था अक्सर बोलता हूँ भूल गया देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी हमारी जो हमारी जिम्मेदारी क्या है हमारी जिम्मेदारी आपके वीजा से जुड़ी जिम्मेदारी अगर वीजा से रिलेटेड पिछले अगले 2 साल में कभी भी कोई समस्या होती है आज की डेट से अभी इस केबिन से निकलने के बाद में और इंडिया आने तक वीजा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बाहर जाइए चलिए बाहर निकलिए
वीजा से रिलेटेड कोई भी समस्या अगले दो साल तक आपको, मैंने कहा बाहर जाइए कोई भी हो, और दोबारा कभी भी ओरिएंटेशन के बीच कोई लड़का भेजना मत। क्या बता रहा था मैं? वीजा के बारे में आपको बता रहा था, अगले दो साल तक। पॉइंट नंबर वन, वीजा से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, मैं और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो रहेगा। वीजा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार है, ठीक है, हम जिम्मेदार मतलब, ठीक है, पीछे कौन था हमें नहीं पता, यहाँ की जिम्मेदारी आज के बाद आपकी, ठीक है, दो साल तक। जो मैंने बताया 8 घंटे ड्यूटी, अगर 2 साल में कभी कंपनी कहती मुझ पर प्रोजेक्ट नहीं है वापस जाओ आप लोग, वो जिम्मेदारी हमारी होगी, ठीक है। अगर कंपनी भेज रही तो अपनी मर्जी से आ रहा, तुम जानो कम तुम्हारा काम है। 8 घंटे के बाद आपसे ओवर टाइम कराता है, उसका पैसा नहीं मिलता तो हम जिम्मेदार, ठीक है। आपका टिकट में भी एयरपोर्ट जा रहे हो कोई प्रॉब्लम है, हम जिम्मेदार, ठीक है। टिकट से रिलेटेड जैसे होता ना, बहुत ऑफिस नकली टिकट दिया, नकली वीजा दिया, ऐसा कुछ भी है तो हम जिम्मेदार। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम जिम्मेदारी ना ले, हमें आज 8 साल हो गया तो ऐसा काम तो हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारी जिम्मेदारी सर वीजा से रिलेटेड है, आपकी कंपनी जो बता रहे हो कंपनी ना हो, हम जिम्मेदार हैं, हम भेज रहे हैं तुम्हें जिनको, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GCC बोलते हैं, कुछ लड़के कंफ्यूज होते हैं, हम जिनको बोल के भेजते हैं वहां जाके कहते हैं अरे सर कंपनी बदल गई है तो GCC है, GCC ही जिनको है उसको शॉर्ट फॉर्म में GCC कहते हैं, जिनको जनरल कंस्ट्रक्शन कंपनी, वैसे ही शॉर्ट में GCC बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी तुम्हें नींद आ रही है, कैसे हो, सुस्त तो लग रहा है, कोई दिक्कत है, तबीयत खराब है, घर की याद आ रही है, सुस्ती सी क्यों है तुम्हें, तुम्हें आंखें तुम्हारी बंद हो रही बार बार, सुस्ती हो तो कम से, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत है, कंफर्टेबल नहीं हो, वीजा से रिलेटेड, टिकट से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, ठीक है। आपको कोई, हाँ किसी से लड़ाई झगड़ा आप नहीं करोगे, बदतमीजी आप लोग पहले नहीं करोगे, कोई आपको परेशान करता है, सुपरवाइजर इंजीनियर टॉर्चर करता है, डिस्टर्ब करता है, आप कुछ मत बोलो, बदतमीजी मत करो, उसको बता दो ठीक है सर परेशान करोगे मैं नहीं कर पाऊंगा, आप हमसे बताओ हम उसका समाधान करेंगे, किसी से दबके नहीं रहना है, मगर किसी से बदतमीजी नहीं। आप अपने काम से काम रखो, कोई बेवजह टॉर्चर कर रहा है, आपको लगता है मुझे टॉर्चर कर रहा है, आप हमसे बताओ, ठीक है, एजेंट से बताओ, फोन से बताएगा, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब पे जाओ, KTI इमिग्रेशन सर्विसेज सर्च करो आप वहाँ पे, या KT इंटरनेशनल सर्च करो, 2 चैनल है, उसमें वीडियोज आपका भी मिल जाएगा, 24 घंटे में अपलोड हो जाएगा आपका वीडियो, इस ग्रुप का भी, वहाँ वीडियो के नीचे जाके इस वीडियो किसी वीडियो पे जाके लिख दो सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहा है, हम कोई ना कोई आपको कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है। नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, नाम भी लिख दोगे तो हमारे साथ डेटा रहता है, फला डेट को आया था, मेरा डेट नाम ये है, पासपोर्ट नंबर ये, ऑटोमेटिक यहाँ से डेटा में सर्च करके आपको कॉल कर ली जाएगी, आपके एजेंट से मिल बात कर ली जाएगी, कि आपके लड़का ऐसा कंप्लेन कर रहा है, क्या दिक्कत है, उससे हम बात कर लेंगे, ठीक है। ये सिस्टम हमारा है, वेबसाइट पे भी कर सकते हो, वेबसाइट होता पड़े नहीं, आप लोग हाई स्कूल इंटर वाले हो तो पता नहीं वेबसाइट पे कर पाओ, ढूंढ पाओ, नहीं यूट्यूब तो आसान है ना, सब लोग चलाते हैं, अभी उस पर सर्च कर लेना KTI इमिग्रेशन, ये वर्ड KTI इमिग्रेशन, ठीक है। LLP, ठीक है, ये आप कर लेना, मिल जाएगा। और कोई समस्या किसी, कोई कंफ्यूजन, हाँ 6 महीने से पहले अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आते हो भैया, वीजा का फाइन खुद भर के आओगे, टिकट खुद करा के आओगे, समझे, वीजा का फाइन आएगा 3,000 से 4,000 ग्राम, ये हर कंट्री का रूल है, पता है ना, 6 मंथ आपको काम करना है, कोई समस्या है हम बैठे उसके लिए, बट काम फिर भी करना, फिलहाल तुम्हारी कंपनी में कोई समस्या ही नहीं है, हमारी यहाँ भेजी हुई हम लोग सर्विस वाली कंपनी काम ही नहीं करते, और इसमें कुछ ऐसे होंगे जिनके जानने वाले जिनको मॉनिटर है ना आप लोग के गाँव के, तो बताया कोई समस्या है लोग को, कोई दिक्कत, कोई सैलरी का कोई दिक्कत, किसी ने कभी समस्या बताई, नहीं बताई ना, क्योंकि आप लोग के गाँव के तो होंगे किसी न किसी के गाँव के बड़ी कंपनी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का, संतुष्ट हो आप लोग पूरी तरह से, अगर कोई भी असंतुष्टि है मतलब कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है कभी पूछ लो, सेटिस्फाई हो जाओ तो जाओ, कुछ इसमें राजस्थान से हो, कुछ बिहार से हो, कुछ झारखंड से हो, कुछ यूपी से हो, किसी को मेरी भाषा में कोई दिक्कत तो नहीं, हिंदी ना समझ में आ रही हो, ऐसे पढ़ो क्या है तुम्हें, क्या ये भैंस चराने आयो, जब अंगड़ाई ले रहे हो, जब मुआई ले रहे हो, ऐसे कर रहे हो उसके सिर पे हाथ, सबसे मेन चीज होता है अपना बिहेवियर, व्यवहार आपका मेन है, काम कम भी आएगा, ऐसे हरकतें करोगे इसमें भैंस चराने आयो क्या, 28,000 की नौकरी में जा रहे हो, टोटल खाना पीना रहना जोड़ लो तो 80,000-90,000 रुपए महीने का पैकेज है तुम्हारा कंपनी का, तुम ये हरकतें कर रहे हो भैंस चराने वालों की, उनको भी तमीज होती, कहीं खड़े होते तो तुम अंगड़ाई ले रहे हो, डांस नागे डांस कर रहे हो पीछे खड़े हो,
दो बार तुमको नोटिस दिया, तरीका होता है ना, 10 मिनट यहाँ खड़े हो, अभी वहां भी एग्रीमेंट होगा, कहीं भी जाओगे किसी भी ऑफिस में जाओगे तो वहां का डिसिप्लिन होता है, बिहेवियर भी होना, वो कल को ऐसे करोगे हमें फोन आएगा ना, इसको तमीजी नहीं लड़का यहाँ पे, सुपरवाइजर से बात कर रहे हो तमाकू ठोक रहे हो, एग्रीमेंट साइन करने को वहां लड़ाई ले रहे हो तो डांटेगा नहीं। तो अभी कोई समस्या किसी को भैया, कोई दबाव, कोई एजेंट ने बोला होगा देखो ऑफिस में जो बोलेगा हाँ हाँ कर लेना, वहां जाके मेरा इंजीनियर है, कुछ नहीं ऐसा है, ये जो मैंने बोला इतना ही सच है, पीछे वाला डिलीट करके जाना, जाके वहां किसी ने बोला कि अरे वो तो हमारा एजेंट बोला था कि ऑफिस में हाँ कर लेना, बाकी सब मैं कुछ नहीं ऐसा है, कंपनी में कोई सुनवाई होगी नहीं, जो मैंने बोला उतने की जिम्मेदारी है और उतना ही मिलेगा नहीं, उसके आगे कुछ ना ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, ठीक है। आप कोई डाउट किसी को समस्या आपको बोल नहीं रहे हो ना, संतुष्ट जाना चाहते हो आप लोग, कोई दबाव कुछ नहीं, थैंक यू, जाइए फाइल लीजिए।